देश आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। देहरादून के गांधी पार्क में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्थल पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने देश के वीर सपूतों को याद कर युवाओं को वीरों से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। अपना सर्वस्व निछावर करने वाले सभी भारत माता के वीर जवानों को नमन करता हूं और अपने वीर बलिदानियों को ये देश कभी भुला नहीं सकता है, हमेशा वो हमारे स्मरण में रहेंगे। अभी कारगिल युद्ध के बारे में हमारे अधिकारीगणों ने ही बताया किस प्रकार का वो युद्ध था और हमारे वीर सैनिकों ने इस युद्ध में दुर्गम बर्फीली पहाड़ियों और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस, उत्कृष्ट रणनीति, अभूतपूर्व पराक्रम और महान धैर्य का परिचय देते हुए दुश्मन को भारत की सीमा से खदेड़कर विजय दिलाने का काम किया था। इस युद्ध में हमारे सैनिकों ने जिस वीरता और साहस का परिचय दिया वो हम सबको ले हमेशा स्मरण में रहेगा और हमारी आने वाली पीढ़ियां उनको हमेशा याद करेंगी, हमेशा उनके जीवन को ये युद्ध प्रेरित करता रहेगा। वहीं अल्मोड़ा के छावनी परिषद में जिला सैनिक एवं पुनर्वास विभाग द्वारा कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी विनीत तोमर ने शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किया। गोपेश्वर में भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई।